अरे वाह, चेतन महाप्रभु हमारे ग्रुप में डांस कर रहे हैं, हरि बोल। मुझे भोग लगाते हो, मेरी सेवा करते हो, कौन करेगा मेरा पिंडदान? अब चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे कुछ बनाकर खिलाओ। हरे कृष्णा, आज गोविंद घोष जी का तिरुभाव तिथि है। गोविंद घोष जी कौन है? गोविंद घोष जी वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने सुर से नृत्य करवा देते थे। मतलब वो ऐसा गीत गाते थे, ऐसा भजन गाते थे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने आप को रोक नहीं सकते थे नृत्य करने से। तो आज हम आपको गोविंद घोष जी के जीवन से जुड़ी हुई क्या जानकारियां देंगे। नंबर वन, गोविंद घोष जी का जन्म अग्रद्वीप में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में। नंबर टू, गोविंद घोष जी, माधव घोष जी और वासुदेव घोष जी, ये तीन भाई थे जिनके कीर्तन पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी नृत्य किया करते थे। नंबर तीन, ये तीनों भाई आखिर है कौन? गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, ब्रज लीला में ये तीन गोपियां हैं। कौन कौन सी? कलावती, रसोल्लास और गुड़ातुंग। तो ये कौन है? ये जो विशाखा देवी जी जो हैं, उनके द्वारा लिखे हुए गीत गाती हैं ये, और वही काम ये यहाँ पर भी कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के लिए गीत गा रहे थे। नंबर फोर, स्पेशलिटी क्या थी गोविंद घोष जी की? स्पेशलिटी ये थी कि गोविंद घोष जी फेमस थे जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करने के लिए। नंबर फाइव, जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है उसमें 7 ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, जिसमें हर ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु अपने आप को विस्तार करके नृत्य करते थे, और हर ग्रुप के मेंबर यही समझते थे कि अरे वाह, चैतन्य महाप्रभु हमारे ग्रुप में डांस कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। तो जो चौथा ग्रुप था उसके लीड सिंगर हैं गोविंद घोष जी अपने दोनों भाई के साथ, और छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव पंडित के साथ, और इसके लीड डांसर हैं वो कौन है? वक्रेश्वर पंडित। नंबर सिक्स, गोविंद घोष जी ने कहाँ कहाँ पर पार्टिसिपेट किया था? सबसे पहले श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन की स्टोरी हमने आपको बताई थी। उसके बाद कहाँ पर? जो चांद काजी के घर जा रहे थे जो संकीर्तन निकाल कर, सेकेंड। और तीसरा कहाँ पर? राघव पंडित जी के घर पर। नंबर सेवन, गोविंद घोष जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? वो है गोपीनाथ जी। हाँ जी, अग्रद्वीप में जो गोपीनाथ जी हैं वो किसने इंस्टॉल किए हैं? गोविंद घोष जी ने। नंबर एट, चैतन्य महाप्रभु का बहुत संग मिला गोविंद घोष जी को। कैसे? जब जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने आज्ञा दी रामदास को, माधव घोष को और वासुदेव घोष को कि आप लोग जाइए और बंगाल में जाकर प्रचार करिए, और गोविंद घोष जी को अपने साथ रुकने के लिए कहा। तो गोविंद घोष जी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ पुरी में ही रुके, उनका संग प्राप्त किया और बहुत 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 ज़्यादा लाभान्वित और प्रसन्न हुए। नंबर नाइन, महाप्रभु की आज्ञा से गोविंद घोष जी ने विवाह किया और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने रखा गौराचंद। नंबर टेन, पत्नी और पुत्र की असमय मृत्यु हो गई और गोविंद घोष जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर लेट गए, भूल गए कि गोपीनाथ जी की सेवा भी करनी है, उनको भोग भी लगाना है। तो गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए और बोले, मैं तुम्हारी बुद्धि समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे एक बेटे की मृत्यु हो गई तो क्या तुम दूसरे को भी मरने दोगे? तो गोविंद घोष जी ने बोला, दूसरा बेटा, लेकिन मेरा तो एक ही पुत्र था। तो गोपीनाथ जी ने बोला, तुम मुझे भोग लगाते हो, मेरी सेवा करते हो, बेटे की तरह तुम मुझे मानते हो, और अब जब मैं तुम पर आश्रित हूँ तो तुम मुझे ऐसे ही मर जाने दोगे भूखे? तो गोविंद घोष जी ने बोला, लेकिन कि मेरा बेटा मर गया, अब मेरा पिंडदान कौन करेगा? कौन करेगा मेरा पिंडदान? कौन करेगा मेरा पिंडदान? कौन करेगा मेरा पिंडदान? क्या क्या आप मेरा पिंडदान करेंगे? तो गोपीनाथ जी ने बोला, हाँ मैं करूंगा तुम्हारा पिंडदान, अब चलो मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे कुछ बनाकर खिलाओ। फिर गोविंद घोष जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर उन्होंने फिर भगवान के लिए भोग बनाया, और इसीलिए गोविंद घोष जी के तिरुभाव तिथि के दिन गोपीनाथ जी सफेद वस्त्र पहनते हैं और अपने हाथ में उंगली में कुश धारण करते हैं गोविंद घोष जी का पिंडदान करने के लिए। नंबर 11, चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में गोविंद घोष जी ने शरीर त्याग दिया, और उसके अगले ही दिन पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उनको इंस्ट्रक्शन दिया, और उसके बाद ठीक एक महीने तक गोपीनाथ जी ने सफेद वस्त्र धारण किया और अंत में गोविंद घोष जी का अंतिम संस्कार किया। गोविंद घोष जी की समाधि अभी भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, कहाँ पर? गोपीनाथ मंदिर में, अग्रद्वीप रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक में है, आप सभी लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।